जो तुम्हारी जेब में वो पर्ची दिखाओ, जो तुम हाथ से लिख रहे हो वो पर्ची दिखाओ। हाथ से तो नहीं लिख रहे। पार्किंग की इजाजत आपने दी? हाँ मैंने दी हुई है। लेने की? हाँ। कैमरा बंद नहीं होगा, क्यों बंद होगा कैमरा? क्यों कैमरा बंद होगा? कैमरा क्यों बंद होगा? ये 30 रुपए पार्किंग जायज है? नाजायज पार्किंग है। हॉस्पिटल के बारे में बाहर तो पार्किंग है ही नहीं भाई, बिल्कुल है ही नहीं, मना है, सख्ती से मना है। और ये मुसलसल बदमाशियां करते हैं, बाइकें उठवा लेते हैं। कल से एडमिट है, मैं आ रहा जा रहा हूँ, बार बार मैं खाड़ी खड़ी करता हूँ, आके कभी 50 दे दो, कभी 100 दे दो, इस तरह करके मुस्तकिल जो है यही चल रहा है। ये अभी मुझे यकीन जाने पता चला कि पटेल हॉस्पिटल की पार्किंग पीछे ग्राउंड में। आप शिपा में काम कर रहे हैं, ईमानदारी बताएं कि क्या सूरत हाल है इस रोड की? बहुत बुरा है, यहाँ पर गाड़ी निकालना हमारे लिए बहुत दुश्वारी का सामना होता है। जब रोड जाम होता है और पेशेंट अंदर होता है, कैसा फील हो रहा होता है? बहुत बेचैनी का फील हो रहा होता है। इंसान ही ज़्यादा हमदर्दी का सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो बेवकूफ़ बना रहता है, गाड़ी में पेशेंट होता है और रोड बेवजह ट्रैफिक जाम। 30 रुपये पार्किंग चार्ज हो रही है? नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। मोटरसाइकिलों की बिल्कुल हो रही है, बड़ी गाड़ी में 50 से 100 रुपये जो जैसे भी, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप पिकनिक पॉइंट पर जाते हैं तो 100-100 रुपये फी गाड़ी चार्ज करते हैं और 50-50 रुपये बाइक की पार्किंग चार्ज करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज का जो प्रोग्राम है जिस मौजू पर है वो मौजू है पार्किंग। अब सवाल ये है कि पार्किंग गैर कानूनी तौर पे पूरे कराची शहर में लगा दी गई है। सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन सा इदारा है? बार बार मैं ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि इदारे क्या सो रहे हैं, तो यकीन जाने हाँ सो रहे हैं। आज जो पार्किंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो स्पॉट दिखाऊंगा, उसमें शायद इंसानियत लोग भूल चुके हैं कि जब वो अपने प्यारों को हॉस्पिटल लेके आते हैं तो उसके बाहर भी उनको पैसे देने पड़ते हैं। वो पार्किंग जो फ्री होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनके प्यारों के साथ अंदर क्या होने वाला है, उनको कितना खर्चा होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर कुछ ऐसे माफिया खड़े हुए होते हैं जो आने के भी पैसे चार्ज करते हैं और जाने के भी चार्ज करते हैं। लेकिन अब आज इस प्रोग्राम में मैं ये दिखाऊंगा कि अगर इंसानियत बाकी है तो यकीन जाने वो इदारे जागें और कम से कम इन जगहों को तो छोड़ दें, क्योंकि पूरे कराची को तो वैसे भी कराची वालों को आप दोनों हाथों से लूट रहे हैं। प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि इदारे सो चुके हैं और जगाने के लिए ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए कि खुदारा जागें और कराची वालों को ना तंग करें, क्योंकि कराची वाले पहले ही दोनों हाथों से लूटे जा रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ और आपको दिखाऊँगा। अच्छा जी, एक बार फिर हम लोगों ने नुमाइंदे वलीद को भेजा है कि वो जाएं और पार्किंग में गाड़ी को लगाएं और देखें कि क्या होता है। अब ये पार्किंग जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि एक बार फिर कराची वालों को तो दोनों हाथों से लूटा जाता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर एक इंसान तकलीफ से आता है और वो होता है हॉस्पिटल। अब आप ये देखेंगे, एक बंदा हॉस्पिटल आया, अगर कोई पेशेंट को लेके आया या वैसे भी कोई अगर आया है, तो वो जितनी बार आएगा और हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा तो उससे पार्किंग चार्ज की जाएगी। अब एक बड़ा अहम यहाँ पे सवाल है कि आखिर हम दिखाते हैं, हम बताते हैं, बार बार जगहें दिखा रहे हैं, लेकिन शायद जिन लोगों का काम है वो सो रहे हैं या वो करना नहीं चाहते। अब ये चार्ज पार्किंग है या नहीं, ये लीगलाइज पार्किंग है या नहीं, ये एक बहुत अहम सवाल है। हम कोशिश करेंगे कि हम जाएंगे या फिर आवाम से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि पहले इस बंदे को पकड़ेंगे कि जो बंदा अभी हमारे आप कैमरे में देख रहे होंगे कि वलीद को बाकायदा वो स्लिप भी दे चुके हैं और वलीद पार्किंग लगा चुके हैं। जो भी अब वलीद की कम्युनिकेशन है वो दिखाएंगे कि आखिर वलीद से वो क्या तकाजे कर रहे हैं, किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं। और जो हमारे पास नॉलेज है कि पर्चियाँ हाथ से लिख के दी जा रही हैं। मसला ये है कि अभी तो पेशेंट मेरा है नहीं, मैं जा रहा हूँ वापस, ठीक है? हाँ, तो मुझे ये बता, ब्लैंक पर्चियाँ चला रहा है ये सही है? ब्लैंक पर्चियाँ चला रहा है यार, क्या है? 30-30 रुपये तो दे रहा सबसे यार। हाँ तो ये सही है क्या? लोकल है और क्या करा दे, तो पैसे लिखे ही नहीं है कितनी भी पर्ची का, तुम हाथ से लिख के दे रहे हो पैसा, देखो यार। अब ये बोल लो, हाँ पर्ची का ना मारा अच्छा, सारे ने पैसे लिखवा था, सही है, वो पर्ची खत्म हो गया। अच्छा, जब हम लोगों ने और ऑर्डर कर दिया पर्ची का, सही है, पर्ची ऑर्डर किसको दिया? उसको हमारा स्टाफ है, उसको स्टाफ, हाँ वाजिब वाजिब, सही है। जब कोर्ट ने बोल लिया पर्ची,
वो लोग बोले अभी ये पर्ची हमारा साथ खड़ा हुआ है तो अभी चला ले और पर्ची कार्ड वगैरह बनवाने का हर चीज है। वैसे एक बात देखी जाए तो ये पार्किंग लीगल तो नहीं है, लीगल तो पार्किंग नहीं है, अलाउ नहीं है पार्किंग, अलाउ है नहीं। हॉस्पिटल का बाहर हो भाई दोनों उड़े असल में बात ये गवर्नमेंट वाले का दिमाग कुछ गवर्नमेंट वाले बीच में नहीं आएगा। अच्छा सबसे पहले अस्पताल वालों ने बोले पार्किंग लगा दो सवाल है तुम्हारे इस पे लिखा हुआ है तो गाड़ी चोरी हो जाए या सामान गुम हो जाए या कुछ भी रहने वाले बात ये पर्ची पे लिखा हुआ तीन चार दिन का पहले हटा देते रहता पर हम लोगों ने यहाँ पर पर्ची वर्ची नहीं चला रखा तो सब हमारे साथ बोले पर्ची को ला दो तुम लोग पर्ची ला दो तुम लोगों को पैसे मिलेगा तो हम लोगों ने सही है बोल लिया उसको सही है हम लोगों ने कोर्ट में तो बोल दिया उन लोगों को अच्छा जी वलीद की गुफ्तगू तो आप सुन रहे थे कि वो बंदा क्या बता रहे कि हॉस्पिटल के लोगों ने कहा, अब किसने कहा है हॉस्पिटल से हम पूरी कोशिश करेंगे ये भी दिखाने की और कोशिश करेंगे इनसे बात करने की कि आखिर कौन इनसे कह रहा है कि ये पार्किंग को चलाई जाए। आए चलें चलते हैं और ये जरा इनसे बात करते हैं। मैं देख लिया कि पार्किंग किसे लगा, पहले इधर उधर रखो उसके बाद तो मैं जाऊंगा। इसको इधर आओ, इधर इसको लिखाओ, पर्ची दिखाओ, उधर अपनी पर्ची दिखाओ, चार्जर पंचिंग मार का ये था, ये था आ जाओ इधर, आप काम नहीं, इधर आओ, इधर इधर तो आओ, कहीं नहीं जाओ, कहीं जाओ, पार्किंग लगा रहे ना, कहीं नहीं जाओ, क्यों भाग रहे हो अभी? तुम क्या बता रहे थे, किसने लेटर दिए तुम्हारे को, किसने लेटर दिए यार हमको नहीं पता। तो अभी रिकॉर्डिंग में तो तुम्हारे ये बात तुम भी बात कर रहे थे, ये भी बात कर रहे थे, आप ये क्या बोल रहे थे? वाली ये कह रहा है कि वाजिद ने लेटर दिया हमारे को, पर्ची इनके पास है मौजूद, इसने मुझे सारी डिटेल बताई और गवर्नमेंट को गालियां दे रहे बोले गवर्नमेंट वालों ने वाजिद का नाम लिया, वाजिद ने नहीं दी है, वाजिद का नाम लिया, वाजिद किसने दिए, किसने दिए, वाजिद ने नहीं दिए, वाजिद ने नहीं है, किसने दिए? टाउन वाले, क्या नाम है टाउन वाले का? टीएमसी टाउन वाले है, कामरान नाम है उसका। वाजिद का नाम क्यों लिया था बच्चे ने? हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। आप कौन हो, आपका नाम? आपका नाम यार हम उस्मान, क्या करते हो आप यहाँ पे? मेरा बड़ा भाई मेरे पीछे। तो आप क्यों बता रहे थे पार्किंग के बारे में? ये चलाता है पार्किंग, इसकी बात करो सर, हम इधर आए थे, ये हॉस्पिटल है और आप लोग ने तमाशा बना के रखा। किसने इजाजत दी आप पार्किंग के पैसे लेने की? किसने इजाजत दी सर जी? मैं से बात नहीं कर रहा, किसने इजाजत दी आपको? टाउन वाले ने। क्या नाम है? टीएमसी टाउन वाले कामरान। जिस कामरान है उसको फोन लगाओ और बात कराओ कामरान से। और तुम इधर हॉस्पिटल का आपने नाम लिया, किस हॉस्पिटल वाले ने तुम्हें इजाजत दी थी के लगाओ पार्किंग? आप आगे बात कर सकते हो, आ जाओ, आ जाओ, बुला के साथ ले क्या क्या किससे ज्यादा दी थी? फोन कर हम मैं तो इधर खुद में यहाँ पर दिहाड़ी पे लगे पहले पर्ची वर का जो तुम्हारी जेब में वो पर्ची दिखाओ, जो तुम हाथ से लिख रहे हो वो पर्ची दिखाओ। हाथ से? हाथ से तो नहीं लिख रहे। अभी मैं तुम्हें तुम्हारी पर्ची दिखाता हूँ, इधर आओ, मैं तुम्हारे को तुम्हारे हाथ वाली। आप किस लिए पैसे ले रहे हो यहाँ पे खड़े होके, किस लिए खड़े बताओ ना? आवाम जो हॉस्पिटल आ रही है वो वैसे ही परेशान है, मजदूर है खुद। तो आपको अकल है कि आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े, जो बंदा परेशान है, क्यों ले रहे हैं खड़े? हम तो नहीं ले रहे पैसे भाई, हमारे से जो ऐसे नहीं ले रहे, वो ले रहे, हमारे से जो ऊपर है वो ले रहे। क्या नाम है, क्या नाम है बढ़ेगा? कामरान, वही कामरान टीएमसी वाले ना टाउन। अच्छा जी, टाउन के जो टीएमसी के लोग हैं, क्या उनको लीगलाइज ये पार्किंग की गई है या नहीं, ये इनके कामरान से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हजरत जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं जिसमें इन्होंने वाजिद का नाम लिया, हॉस्पिटल का नाम लिया कि हमें लगवाया गया है हाथ से, हाँ क्या नहीं, बोलो बोलो क्या कह रहे हो? आ रहे ना बंदा, आ रहे, हाँ। 30 रुपए किसने कहा तुम्हें लेने को? पर्ची क्या बोली जाली, इधर आओ, 30 रुपए लिखे हुए नहीं है ये हाथ से लिखे हुए, ये क्या लिखे हुए, क्या लिखे हुए जी, ये क्या लिखा हुआ है ये देख लो आप, इधर आओ, इधर 30 रुपए में नहीं लिखा हुआ, ये देख 30 रुपए हमारे पास लिखा है, ये देख ये क्या है, ये क्या है ये बताओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है,
बात यह है कि ये इनके सामने है और इसकी बदतमीजी है कि हमने नहीं लिया। ये पर्ची दिखाओ, ये चार्ज के नाम से पर्ची है और ये 30 रुपए इस बच्चे ने हाथ से लिखा है। क्या हो गया? पार्किंग की इजाजत आपने दी? हाँ, मैंने दी हुई है। 30 रुपए लेने की? हाँ। क्यों? इसलिए दी हुई है, यहाँ गाड़ियाँ चोरी हो रही है। तो इसी तो कह रहे हैं, मेरी जवाबदारी नहीं है। जवाबदारी है ना यार, क्यों नहीं है भाई? भाई इसी चीज की है, यहाँ पर आप किसी को ये कैमरा बंद नहीं, कैमरा बंद नहीं होगा। क्यों बंद होगा कैमरा बंद होगा? कैमरा क्यों बंद होगा? आप बदतमीजी कह रहे हैं, कैमरा क्यों बंद होगा? आप कौन है? आप कौन है? चलो यार, आप एडमिन में ना, आप एडमिन है ना, तौफीक साहब नाम है ना आपका, आपने इजाजत दी है? आपने इजाजत? मैंने इजाजत दी। क्यों? एक गरीब आदमी जो पेशेंट अंदर आ रहा है, गरीब आदमी, यहां पे गरीब की गाड़ी चोरी हो रही है, वो कौन देखेगा? एक मिनट, तो फ्री में खिदमत कर रहा है, खिदमत खल कर आए ना यहाँ पे, हर रोजाना 2-3 गाड़ी चोरी हो रही है, तो खिदमत 30 रुपए क्यों ले रहे हैं? एक हफ्ते से जब से ये खड़े हुए 30 रुपए क्यों ले रहे हैं? तो इसी चीज के ले रहे हैं भाई, पार्किंग के। आप गवर्नमेंट से बड़े हो गए क्या? गवर्नमेंट से बड़े नहीं है, हुकूमत कोर्ट ने मना किया है, जजमेंट आया हुआ है, मना किया कोर्ट ने, मना किया हम बोल रहे, लेकिन हमने प्राइवेटली इसको खड़ा करा हुआ है। क्यों? वो इसलिए कि रोजाना गाड़ी चोरी हो रही है। अरे रोज गाड़ी चोरी हो रही है, गरीब आदमी नहीं दिए ना, क्यों देंगे? आप दे नहीं रहे, ले क्यों रहे? अरे भाई आपको क्या हो गया? ले क्यों रहे? 30 रुपए क्यों ले? जो नहीं आपकी, आप पढ़े लिखे, आप बदतमीज आदमी। ये अल मुस्तफा पे, अच्छा ये पैदागिरी है ना, ये पैदागिरी इनकी साबित ये हुई है कि 30 रुपए यहाँ आवाम से चार्ज कर रहे हैं, जिसका कोई रूल नहीं है। आप जाओगे नहीं कामरान को? फोन कर लूंगा अभी। अरे अभी करो ना, तो कर रहा, तो हाथ क्यों लगा रहे मेरे को? बदतमीजी तुम भी कर रहे हो, तुम कौन से? तुम बदमाश बन रहे हो, तुम बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तुम भाग रहे हो, तुम ऐसे पकड़ ले, भागो नहीं, यहाँ खड़े रहो, खड़े रहो। नहीं नहीं कैमरा क्यों बंद कर? कैमरा क्यों कॉल कर? किसको कैमरा कौन बंद कराएगा? कैमरा बंद करवा। अब बात ये है कि ये इतने बड़े बदमाश है, खासतौर पे वो अंदर जो बैठे हुए बदमाश है जिन्होंने इनको इजाजत दी थी, वो कह रहे हैं हम कोर्ट को नहीं मानते, 30 रुपए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ गाड़ी चोरी होती है। अब सवाल ये है कि अगर स्टाफ, ये अमला जो यहाँ बैठा हुआ है, अगर वो ये रवैया रखेगा तो किस तरह एक आम आदमी वो भाग रहा है? ये 30 रुपए पार्किंग जायज है? नाजायज पार्किंग है, हॉस्पिटल के बाहर तो पार्किंग है ही नहीं भाई, बिल्कुल है ही नहीं, मना है, सख्ती से मना है। और ये मुसलसल बदमाशियाँ करते हैं, बाइकें उठवा लेते हैं। पटा आप ये बताओ कि बात सिर्फ यह है 30 रुपए सही लिए जा रहे हैं? नहीं सही तो नहीं है, गलत है, गलत ही बिल्कुल गलत है, कोई भी ले रहा है गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आपके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन सिर्फ इतना बात है, एक बात है, बोले बोले बोले, बोले। सिर्फ गाड़ी चोरी हो रही है, ये हॉस्पिटल वाले ने अपना तरफ से लगाया, खिदमत करे। मैं तो कह रहा हूँ ये फ्री में होती पार्किंग खुशी होती, एक बंदा जो हॉस्पिटल आ रहा है वो जाने के भी 30 दे रहा है, उसके बाद अगर वो किसी पेशेंट से मिलने आ रहा है उसके भी 30 दे रहा है, गलत हो रहा है? नहीं हो रहा, गलत गलत हो रहा है ना। मैं तो कह रहा हूँ खिदमत करता जैसे हॉस्पिटल खिदमत कर रहा है, 30 रुपए लेना सही तो नहीं है ना, और वो भी हाथ से लिखे हुए, गलत है ना। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, क्या हुआ ये 30 रुपए पार्किंग में सही ले रहे? नहीं नहीं गलत ले रहे हैं ये, और बगैर नंबर के, इसमें प्राइस भी नहीं लिखे हुए, अपने हाथ से लिख रहे हैं, मुझे भी इन्होंने बगैर नंबर के पैसे दिए। बाइक की चार्जिंग 10 रुपए, तो 30 रुपए किस्मत में ले रहे हैं भाई? अपनी मर्जी से ले रहे हैं ये, जिसकी जो मर्जी आती है वो लेता है। यहाँ पे मेडिकल के लिए आते हैं, कोई पेशेंट को देखने आते हैं, वो पैसे पहले देता है, बाद में वो अंदर जाता है। अगर आप दे रहे हैं तो आप फ्री में पार्किंग करें। यहाँ से पेट्रोल भी चोरी होता है, सही कह रहे हैं, पेट्रोल भी चोरी होता है, कार्बोरेटर भी चोरी होता है। बाइकें उठा ली जाती है, कोई पैसे नहीं देते, बाइक ये खुद उठवा, बाइक चोरी हो रही है, क्या मालूम वो वही शख्स हो जो लड़ के पैसे ना दे रहा हो सकता है वही शख्स हो जिसकी बाइक गायब करी गई। बाइक पार्किंग से खुद उठवाते हैं ये लोग गाड़ी से, फिर जाके 200 रुपए से पार्किंग छुड़वा के लेके आते हैं। जो लीगल चार्ज पार्किंग हो गए 10 रुपए प्राइस रखे गए, अगर ये खिदमत भी कर रहे तो 10 रुपए होने चाहिए थे, 30 रुपए ये देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अपने हाथ से लिखा इन्होंने, और पूरी बुक में इन्होंने पैसे नहीं लिखे हुए, ये हाथ से लिख के देते हैं पैसे, गलत हो रहा है ये। आप मुझे बताएं कि जब आप लोग यहाँ आते हैं तकलीफ का सामना होता है? बिल्कुल होता है। और जो रवैया भी आपने देखा होगा इनके साथ का, ये जायज रवैया था कहीं से भी? बिल्कुल नाजायज, बिल्कुल नाजायज रवैया है। अगर आपको पार्किंग देनी है तो आप फ्री करें, आप खुद पे करें इनको जो खड़े हुए होते हैं, ये आवाम क्यों पे करेगी? आवाम तो ऑलरेडी यहाँ पे कर रही है, पेशेंट एडमिट है यहाँ पे, दवाइयाँ खर्चा वो उठा रही है, पार्किंग भी वो पैसे देगी, तो फिर आप किस बात की आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं? आसान लफ्जों में कहूँ तो खिदमत अगर वर्ड है, जिससे हॉस्पिटल खिदमत करता है, देखो डॉक्टर से जो पेशा है वो बड़ा पेशा है, लेकिन जो हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं आवाम वैसे ही सख्त परेशान है, ये जायज काम था या नहीं था? ये नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है, ये नहीं होना चाहिए। और हर हॉस्पिटल के बाहर फ्री पार्किंग होनी चाहिए, ताकि जो मरीज से मिलने आ रहा है या दाखिल करने आ रहा है
उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बात ये है कि फ्री पार्किंग होनी चाहिए, कम से कम हॉस्पिटल्स के बाहर तो पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एक इंसान जो यहाँ तकलीफ में आ रहा है अपने घर वालों को लेके या किसी को, वो आने के बाद यहाँ पे 30 रुपए खड़े होने के पैसे भी दे, और फिर अगर वो ना दे तो दो काम होते हैं, जैसे आपने सुना कि पेट्रोल भी गायब होता है और बाइक चोरी हो जाती है। अब सवाल ये कि चोर कौन है बाइक, अगर बाइक चोरी होती है तो यहाँ कैमरे किस लिए लगे हुए, वो प्रोवाइड करें उन निर्धारकों के बाइक कैसे चोरी हुई है। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर क्यों चार्जेस लिए जा रहे हैं, आए आगे लोगों से बात भी करते तो अभी सारे भाग गए, जितने भी पार्किंग वाले सब भाग गए, कोई भी एक बंदा नजर नहीं आ रहा। ये एक बंदा जो आप घूम रहे ना, इस पर नजर रखो, 15 आ रही है। अब सवाल ये है कि देखें आप, ये जो बैठे हुए साहब थे हॉस्पिटल के अंदर, उनका कहना ये था कि मेरा सही है काम, मैं 30 रुपए चार्ज कर रहा हूँ जो कैमरे में रिकॉर्ड है। अब मैं कोशिश करूंगा कि इनसे बात करने की कि ये किस हक से ये पैसा आवाम का ले रहे हैं। हॉस्पिटल तो काम कर रहा है, डॉक्टर्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये 30 रुपए जो जायज़ हैं, अगर जायज थे तो 10 रुपए जायज़ थे जो बाइक पार्किंग के, क्या 30 रुपए जायज़ हैं? अब सवाल ये है कि इनका स्टाफ जो एडमिन है वो कैसे इनसे बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है आए कोशिश करते हैं बात करने की। आप यहाँ पर कौन है? मैं तो आया हूँ ऑफिस आए हैं। आप एडमिन में कौन है? आप वो दूसरे भाई हैं, आर एन। आर एन, क्या नाम है जिसमें? एडमिन में कौन है? साजिद भाई, तौफीक भाई। तौफीक भाई, तौफीक साहब हैं जो भी बाहर रहते हैं, मैंने नाम कंफर्म किया क्योंकि आखिर तौफीक साहब हैं। आए जरा बाहर वेट करते हैं क्योंकि इस वक्त अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल का माहौल अगर डिस्टर्ब ना हो बस आए बाहर की तरफ आ जाते हैं। तौफीक साहब कहें पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पर थे, वो कैमरे के आगे थे, अभी कहाँ पूरा बता रहे चौथा चार मन से चले आ जाए तो आप मैसेज दीजिएगा, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर जो अंदर लोग हैं उनका क्या कहना है और क्या नहीं, उन्होंने एक बड़ा प्यारा वर्ड कहा कि अपनी पैदागिरी के लिए आए, उनका वर्ड था। तो मैं बता दूं कि पैदागिरी के लिए अगर आए होते तो आपके हकायत आपके सामने नहीं रख रहे होते, और ये आपके ही लोग हैं जो आपने ओन किया है कि मैं यहाँ पे पार्किंग लगवाता हूँ। तो अब सवाल ये है कि हॉस्पिटल के एडमिन स्टाफ अगर यहाँ पे पार्किंग लगा रहा है तो शर्म का मुकाम है, जो यहाँ पर लोग पेशेंट्स आते हैं आप उनके साथ जाती कर रहे हैं और बात कर रहे हैं खिदमत की, तो खिदमत नहीं है जनाब, ये लूट रहे हैं कराची वालों को दोनों हाथों से। आए मजीद देखते हैं जरा। रोजाना यहाँ पर यहाँ पर आता हूँ अंदर डॉक्टर साहब को छोड़ने, तो ये पार्किंग माफिया रोजाना यहाँ पर होती है, ये 30 रुपये हर बंदे से लेती है और अक्सर बंदे से लड़ के जाते हैं। हम लोग अंदर पेशेंट देखने आए, अंदर आप खुद जाके देखते हैं, हज़ारों रुपये फीस है, गरीब बंदा मुश्किल से जाके दवाई ले कर आता है, मेरे उसके बावजूद 30 रुपये यहाँ पर भी देते कि ये साफ है। तो आप लोग आते हो, ये 30 रुपये गलत है? बिल्कुल गलत है, आप दवाइयों के प्राइस देख लेंगे कितने ज़्यादा है आजकल दवाई, उसके बावजूद यहाँ पर भी दें, अंदर डॉक्टर को भी दें, दवाई भी लें, एक आम बंदे की वो कर एक आम आदमी हॉस्पिटल में भी पैसे भरे जो भरना है जो ज़रूरी है, डॉक्टर की फीस है, लेकिन बाहर गाड़ी खड़ी करने के भी पैसे भरे, ऐसा ही है? ऐसा ही है। आप यकीन करें, एक से डेढ़ साल पहले मेरी बहन का नाम आपदा जिसका इंतकाल हो चुका है, मैं यहाँ पर साइकिल पर आता था, मेरे से साइकिल की पार्किंग मांगी है कि भाई साइकिल की पार्किंग दो। ये एक कानूनी नहीं है पार्किंग, 30 रुपए लेता है इधर। हाँ, इधर इन लोगों ने दुकानदारी बनाए हुए सदर पे, तारिक रोड पे, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है। इधर हम आ जाते हैं, गाड़ी आगे पीछे चला जाता है। मैं सिंध गवर्नमेंट, हमारा जो मेयर है, ये जो हमारा कराची का मेयर है मुर्तजा वहाब साहब, तो खुद देखते पार्किंगों का। बिल्कुल मुर्तजा वहाब का काम है, ये एडमिन स्टाफ जो बैठे हुए तौफीक साहब जिनको आप देख रहे हैं अभी वो मौजूद है। सवाल ये है कि उन्होंने ओन किया कि पार्किंग मैं लगवा रहा हूँ, अगर हॉस्पिटल का स्टाफ इस बात को ओन करेगा कि मैं लगा रहा हूँ पार्किंग, क्या दुख नहीं होगा? वो खुद कह रहे मैंने लगवाया। इधर 4 दफा तो मेरे एक्सीडेंट हुआ, कभी मेरा गाड़ी का लाइट टूट, ये तो 2 नंबर पार्किंग इन लोगों ने बनाया। मैं तो सिंध गवर्नमेंट का बोलता हूँ, ये 2 नंबर का था बंद कर, हॉस्पिटल वाला कभी बोलता हूँ ये 2 नंबर का था बंद करो। ये हमारा ये तौफीक साहब आ गए। जी तौफीक साहब, आपसे मैंने इतने प्यार से पूछा, आपने बड़ा ओन किया कि मैंने पार्किंग में अंदर भी आया आपसे मिलने, आप मुझे बताएं किस हक से 30 रुपए लिए जा रहे हैं? 30 हक से लिए जा रहे हैं, ये असल में पार्किंग हमने लगाई हुई है इस वजह से कि यहाँ पे हर 2-4 दिन में गाड़ियाँ उठ रही हैं,
डेली बेसिस पे गाड़ी उठ रही है। कानून आप मतलब कानून कानून का नहीं कानून का काम है ना ये देखना। तो हाँ तो कानून का काम है। तो यार गरीब की अगर किसी की गाड़ी उठ रही है और आप लोग अगर इस पे कोई कुछ नहीं करता है तो हमने ये इसको खड़ा करवाया। आप माशाल्लाह हॉस्पिटल के अंदर होते हैं तौफीक साहब, आप अंदर खिदमत कर रहे हैं, बाहर जिसका काम है हॉस्पिटल का काम है अंदर देखना, बाहर जिनका काम है वो देख लेंगे। आप अपने कानून नाम सुने मेरी बात, आपने जब मुझे उस वक्त जवाब देना हाँ मैं लगवाता हूँ, आपकी वजह से वो तीनों राय लोग फरार हो गए। अभी वन फाइव आ रही ना, मुझे सिर्फ दो बात का जवाब आप दे दें खाली। आपने ₹10 चार्जिंग के बजाय, चले अगर आप खिदमत भी कर रहे होते ना, मैं कहता जबरदस्त काम कर रहे हैं, ₹10 चार्जिंग है, आप ₹30 के सख्त से ले रहे हैं। SHO साहब से भी हमारी बात हुई हुई है और SHO साहब के कहने पे इनको खड़ा करा हुआ है भाई यहाँ पर। SHO ने जाते थे कि पार्किंग बना दो, बिल्कुल ऐसे लें जी जी, SHO ने कहा जी बिल्कुल ले, पैसे लें, उन्होंने पैसों का कोई नहीं बोला लेकिन पैसे लिए जा रहे बात। मैं एक मिनट खामोश हो जाओ, एक मिनट। मैं खुद UC1 पुराने सब्जी मंडी का साबिका कौंसलर हूँ, ये पार्किंग 2 नंबर है मेरा काते में, ऐसे तारीख रोड में भी 2 नंबर है, इधर ही दुकानदारी एक मिनट दुकानदारी बने हुए। मैंने पहला जुमला क्या कहा, पूरे तारीख रोड नहीं पूरे कराची के अंदर बहुत जगह पे घर, लेकिन सवा एक मिनट मैं आपको आसान करता हूँ ना बात, सिर्फ इतनी थी कि तौफीक साहब यहाँ पे एडमिन देखते हैं, मैंने अगर जो लफ्ज कहे अगर वो गलत हो तो मेरे खिलाफ इनकी भी और मेयर मुर्तजा वाहब साहब आपकी जन से भी कार्रवाई की जाए। मैंने इनसे क्लियर पूछा पार्किंग किसने लगाई, इन्होंने कहा मैंने लगवाई है। फिर मैंने इनसे पूछा पैसे ₹30 कौन ले रहा है, तो इन्होंने कहा, मैं वही कह रहा हूँ ना पहले विंडो पे आसान कर रहा हूँ ना आपके लिए कि पहली विंडो को देखी जाए कि इन्होंने नहीं, आप नहीं कर सकते रोड पे वैले पार्किंग, आपके पास राइट्स नहीं है। अच्छा 15 से खादिम आए इस इलाके, खादिम आपको क्या इतला मिली, यहाँ पर हमने किस लिए कॉल की? सर हमें 15 से कॉल दी गई है कि आप थान आ जाएं, यहाँ पे गैर कानूनी कोई पार्किंग है, उस हिसाब से बंदे तो चले गए, बाकी जिसने लगाई है इन्होंने लगाई है। इनका कहना ये है कि बकायदा जो पार्किंग वाले हैं उनको मैंने खड़ा किया, तो फिर किसको लेके जाया जाएगा? सर जिसने बोला है, मेरा सीन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है मुर्तजा वहाब से, कराची में जितना पार्किंग है ये सब 2 नंबर है, करोड़ों रुपए ये लोग कमाते हैं 2 नंबर कातों से, ये रोड से पार्किंग साफ करो, ट्रैफिक का जगह नहीं है, पब्लिक देखो रास्ता नहीं है जाने का, ठीक है उसमें उसमें SHON वाले या IGN वाले या KMC DMCN वाले इन लोग के काम भी आ गई है, जो भी इन्वॉल्व है अगर कानूनी है तो रखे, अगर गैर कर जब लोग यहाँ से भागे आए चलाए बिल्कुल बिल्कुल आ जाए। अच्छा जी हम पहुंच चुके हैं अजीज भट्टी थाने में, जहां पे जो अभी आपने मामला पूरा देखा कैल मुस्तफा हॉस्पिटल के बाद किस तरह गैर कानूनी तौर पे पार्किंग जा रही थी, जब हमने एडमिन से बात की तो जो भी उनकी तरफ से उनका जो रिस्पॉन्ड था वो आप सबने देखा, तो हमने अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए 15 को कॉल करते हुए उनको मुंतकिल किया है। अब जानते हैं SHO से बात भी करेंगे कि SHO का क्या कहना है और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। अच्छा जी SHO से हमारी जो बात हुई उनकी यकीन दहानी भी उन्होंने कराई, वादा भी किया है, और मैं कहूँगा अजीज भट्टी के जो SHO हैं राव रफीक, उन्होंने ये वादा किया है कि जो भी चीज़ें हैं गैर कानूनी हमारे नॉलेज में जैसे आती हैं हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे और आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये जगहें क्लियर हो जाएंगी। तो एक जो अच्छी चीज़ है वो भी बताना चाहिए और जिस पर रिस्पॉन्ड हो क्विक वो भी बताना चाहिए, क्योंकि 15 ने क्विक रिस्पॉन्ड किया और फौरी तौर पर उन लोगों को मुंतकिल किया अजीज भट्टी थाने में, और जो SHO से गुफ्तगू हुई वो सामने इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने यही दरख्वास्त की कि अदील हमें हिदायत नहीं है आगे से, हमें इजाज़त नहीं है आगे से कि हम मीडिया पर इस तरह खड़ों के बात कर सकें, पर जो उन्होंने कार्रवाई की वो यकीनन आपने देखी जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अब उनके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई होगी ये SHO साहब बता सकते हैं। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और जैसे ही ब्रेक से वापस मैं आऊँगा तो मैं आपको एक और एक नया स्पॉट दिखाऊँगा कि कैसे लोगों को हॉस्पिटल्स के बाहर तंग किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, और यकीन जाने मैं कहता हूँ कि कराची वालों को दोनों हाथ से लूटा जा रहा है। चलते हैं ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर मैं एक ऐसी लोकेशन पे मौजूद हूँ जहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है कराची का बहुत बड़ा, जिसके बाहर उसी के नाम से पार्किंग ली जा रही है या नहीं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह नाम इस्तेमाल करके लोगों को लूटा जाता है, कराची वालों को खास तौर पे। आए क्या हाल है, क्या कर रहे हैं? पार्किंग ₹30 किस चीज़ के ले रहे हो? बाइकों की पार्किंग पे तो ₹30 नहीं है। सारा दिन यही चलती है कि पर्ची, सारे दिन चलती है गैर कानूनी काम, तुम सारा दिन करते रहो तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। पर्ची ₹30 कार की है, आप बाइक के क्यों दे रहे हो? कार के ठेकेदारों ने दिए, हमारा क्या नाम है ठेकेदार का? यहाँ पर औरंगजेब का है, उधर है हमारे, फोन करके औरंगजेब। अच्छा बात ये कि मैं फिर कहूँगा कि ये तो दिहाड़ी पेशा इंसान है, और अगर देखा जाए तो ₹10 बाइक पार्किंग है, जबकि ₹30 एक और हॉस्पिटल के बाहर लिए जा रहे हैं, और ये है वो पटेल हॉस्पिटल जिसके बाहर जो भी आवाम यहाँ आती है उससे लिया जाए। भली ज़रा आप इनको देखिए, ज़रा यहाँ पर लोग भी हैं, अस्सलाम वालेकुम, इधर आइएगा ज़रा। अच्छा जी, ये शायद साथ होंगे जब भी यहाँ पर आते हैं, आप लोग पार्किंग में आते हैं पैसे लेते हैं? ये लोग कितने लेते हैं? ₹30। क्यों, कभी बोला नहीं आपने ₹10 पार्किंग है? बोला है, बोलते गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ₹10, और ये गवर्नमेंट पार्किंग ही नहीं है पहली बात से, तो पैसा तो ₹1 देना बनता नहीं है, क्यों देते हो आप लोग? बोलते गवर्नमेंट की तरफ से पर्ची दी हुई है, हमें लोगों से ले रहे हैं। अभी आपने अपने हक के लिए पूछा दोस्त, यहाँ पर कौन बात कर सकते है? बात करो तो उल्टा जवाब देते हैं, बात करो तो ये बाइकें भी आगे पीछे हो जाती है, पेट्रोल भी निकाल लिया, ऐसा है या नहीं है? पेट्रोल का तो पता नहीं है, बाइकें आगे पीछे कर लेते हैं, आगे पीछे हो जाती है। आपको ये पता है ₹30 पार्किंग है ही नहीं, ₹10 चार्जिंग है, लेकिन वो भी जो लिखा है, हम तो दिहाड़ी वाले बंदे, हमें क्या जाएगा? देखिए पटेल हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है ना, नाम खराब करने वाले लोग ऐसे ही लोग होते हैं। पटेल हॉस्पिटल ने अभी हाल ही में पीछे फ्री पार्किंग का सिस्टम किया हुआ है, इसी वजह से ही। अच्छी बात है, अपनी जेब से ये विले वाले सामने खड़े हुए, इनसे अपने पार्किंग का पीछे सिस्टम किया, इससे ये पार्किंग पटेल की नहीं है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जवाब दे दीजिए, गाड़ी दिल नहीं दुखता इनको देख के एक बंदा पेशेंट लेने आया है वो पैसे? अलावा ये जगह को देखो ना, ये इनका अपना तो काम नहीं है ना, ठेकेदार लगाते हैं इनको, ये तो ₹1000 दिहाड़ी पे बिछा रहा होगा, कोई वास्ता नहीं है, पटेल का वास्ता नहीं है। लेकिन दिल दुखने वाली बात तो है ना कि एक पेशेंट को देखने आने वाला बंदा आते हुए भी देता है और जाते हुए भी देता है, ये सही काम है? बिल्कुल गलत है, गलत है। देखिए पटेल की पार्किंग के जो इंचार्ज है, मैं कहूंगा सुने तो, पटेल के जो लोग है ना वो खुद कह रहे हैं कि हमारी पार्किंग नहीं है, ये गैर कानूनी तौर पर लोग बैठते हैं, और ये वाला ये चले जबरदस्त बात है। अच्छा मैं पटेल की बताऊं कि पटेल वाले ने बंदे को बुला लिया कि हमारी फ्री पार्किंग यहाँ मौजूद है, आप वेले देखते हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं ना, तो ये जो लोग यहाँ खड़े हो गए पर्चियाँ दे रहे हैं, ये खिदमत हो रही है, ईमानदारी वाली बात बताइए। अब ये बताओ कि आप यहाँ आते हो, अभी तो आपको पता ही नहीं था, कितने पैसे लेते हैं ये लोग आपसे? ₹30 ये लोग ₹30 ले रहे हैं। यहाँ पे जाऊँ कोई सामान लेने के लिए जाऊँगा फिर भी ₹30? तो ये गैर कानूनी काम जा रहा है ना, कराची वालों को लूटा जाता है, हकीकत बात है, लूटे जा रहे हैं, अगर पैसे ना दो तो क्या होता है? अब क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की, हम लोग तो वहाँ पे हॉस्पिटल में जाना होता है, मिलना होता है, क्या करें अभी हमारे अपने, क्या कर रहे हैं इन लोगों को, कुछ भी नहीं कर सकते। शर्म इसलिए नहीं आती दोस्त, ये इनका कसूर भी नहीं है, इनके ठेकेदार इनको ₹1000 दिहाड़ी पे खड़ा करते हैं, आपके साथ कितनी दिहाड़ी तुम्हारी? ₹700 तो हजार कह रहा हूँ, अब एक बंदा आजकल के दौर, बिल्कुल देखिए आवाम जो कह रही है, जा रहे हैं ना लोग, ये चीखते हुए जा रहे हैं कि पार्किंग ही नहीं है यहाँ पे, और फिर ये लोग बदमाशी करते हैं उन लोगों के साथ जो हमें कंप्लेंट्स करते हैं। आप भी यहाँ मुझे क्या बता रहे हैं? देखें मेरी वालदा कल से एडमिट है, मैं आ रहा जा रहा हूँ, बार बार मैं खाड़ी खड़ी करता हूँ, आके कभी 50 दे दो कभी 100 दे दो, इस तरह करके मुस्तकिल जो है यही चल रहा है। अगर आप दिन में 3 बार आओगे तो पैसे जाएंगे, ₹300 चले जाएंगे इसमें, मतलब हॉस्पिटल वाले अलग ले रहे हैं ये अलग। आपके मेयर मुर्तजा वहाब साहब है ना, बोले ना इनको कि क्या कोई, ये हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं पार्किंग पता नहीं पीछे ग्राउंड का होता है ना आपको, ये कभी भी मुझे ये अभी पता चला है कि पीछे ग्राउंड में इनकी पार्किंग भी है, मैं पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, ये यहीं पर कहते हैं कि गाड़ी खड़ी करो, यहीं बाइक खड़ी करो, रास्ता जाम होता है, पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं होती, ये अभी मुझे यकीन जाने पता चले कि पटेल हॉस्पिटल की पार्किंग पीछे ग्राउंड में। चले जवाब तो जाएगी निशानदेही पे, आवाम को भी बता लो, जो नाज़रीन आप देख रहे हैं जब भी पटेल हॉस्पिटल आए तो इन लोगों को चारने देने से बेहतर है आपको बकायदा पटेल की जानिब से पार्किंग दी गई है, वहाँ पे आप बाइक ना, बस थोड़ा चलना पड़ेगा, आवाम को अपना थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि एक्सेस बढ़ाना पड़ेगा, वो जो आपको आसानी चाहिए उससे बाहर निकलनी पड़ेगी, कि आप निकल के वॉक करके जाएं और थोड़ी सी पार्किंग दूर लगा दें, पर हाँ भी ये करें ना कि कम से कम पार्किंग का लिख कर तो लगाएं कि हमारी तरफ से पार्किंग अलॉट है पीछे पार्क में, ताकि वो नज़र तो आए, लोगों को पता ही नहीं होता इनके हाथ चढ़ रहे होते हैं लोग।
तो कम से कम पटेल वालों को भी अवेयरनेस शो करनी चाहिए, कहीं बोर्ड लगाना चाहिए। पटेल के अगर लोग जो देखते हैं प्रोग्राम जवाब जाइए, मैं उनसे भी कहूंगा कि सर अगर ये मेन गेट पे आप यहाँ पे ये जो बोर्ड है आपका जहाँ पे पेपर लगा हुआ है, मैं कहूंगा अगर उस जगह के ऊपर आप एक फ्री पार्किंग का एक पेपर ही लगा दें कि भाई आवाम को, तो इन लोगों के हाथों आवाम लुटना बंद हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, अगर इनको पैसे ना दें तो बाइक उठा ली जाती है, पेट्रोल निकाल दिया जाता है, वरना इनका जो रवैया होता है, ये मैं नहीं कह रहा शहरी है, रवैया क्या होता है इनका, बिल्कुल रूड रवैया होता है। और उसके बाद आप अंदर जाके टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं आपकी बाइक के साथ क्या होगा, हवा निकाल लेते हैं, पेट्रोल निकाल लेते हैं, मल्टीपल चीज़ें करते हैं, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि इनके इनके पास जो है ना सारे इख्तियार है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। आप क्यों लगा रहे हो, एक बात बताओ, आप कोई गवर्नमेंट पर्सन हो जो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी दी गई है? सही, हमारे को तो लेटर दिया गया है, वो उनके पास है लेटर। जरा वो आप फोन कर रहे थे ना, फोन तो करो, जरा फोन तो करो। वो बंदा अभी आपको यहाँ से पुलिस ले जाती है, गैर कानून, ये गैर कानूनी काम है, ठीक है ना? तो आप किसको फोन करोगे? हम तो ठेकेदार जिसने खड़ा किया हुआ। सीजन दादा करो, आप जिसके लिए काम कर रहे हो आपका फोन तो उठा नहीं रहा। यही तो है, आप मिलाए यहाँ पर, आप चरी भी है क्या, आप लोग बाइक लगाते हो यहाँ पे? बाइक लगाते हैं, क्या इशू आता है? बस ये इशू आता है हम इनको, मैं यही सीधी बात बोलता हूँ, एक मैं टेंशन में आया था, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था और तबीयत बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, तो अब ये आ गए मुझसे बोलने के पार्किंग ने, तो अब मैंने भी सीधी बात बोली, चुपचाप मैं चले गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि ये लोग पार्किंग के ले रहे हैं। पार्किंग एक्चुअल है कितने की? उतना टाइम मिलता ही नहीं है आपसे, पूछो आपकी नॉलेज में पार्किंग कितनी है? पार्किंग होनी नहीं, मुझे तो ये पता है कोर्ट ने मना किया है, ये केएमसी की पार्किंग को तो ये मांग ही मानते ही नहीं ये लोग, ये 700 रुपए दिहाड़ी और फिर इनके ऊपर जो आप इनके ठेकेदार बना दिए जाते हैं। केएमसी सो रही है, डिपार्टमेंट है केएमसी जिसका काम है इस चीज़ को लीगलाइज करना या उसको देखना, फोकस करना, डिपार्टमेंट तो सो रहा है सर। तो फिर मैं कहता हूँ मेयर मुर्तजा बाब साहब जाकर नीचे कहते हैं कुछ, क्योंकि मैं तो निशानदेही कर मैं निशानदेही करता रहूँगा। मेयर मुर्तजा बाब साहब, मेरी आपसे दरखास्त है, ये आवाम कराची की जो है ना दोनों हाथों से लुट रही है, आप कराची के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो पहले ये देखें जो हुकूमत है में लोग हैं वही चार्ज पार्किंग के ऊपर तो काम कर रहे हैं, तो आखिर रोकेगा कौन इनको? फिर जो जजमेंट आई हुई है कोर्ट की जानिब से उस पर तो फॉलो ही नहीं हो रहा, तो पूरे कराची शहर के अंदर मैं किसी भी आवाम से पूछूं, शहरी से पूछूं, वो कहेगा कि पार्किंग पे हमसे लूटा जाता है। कितने पैसे लिए जाते हैं फिर पूछूं? यहाँ पर 30 भी ले लेते हैं, 50 भी लेते हैं, 100 भी ले लेते हैं, पर्ची का तो कोई हिसाब है ही नहीं, बिल्कुल इलीगल बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो कार की 30 रुपए है जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ये लेते हैं, आप पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है? 30 रुपए लिखे हुए हैं, लेकिन कोई कार पार्किंग आपको दिख रही है? कोई भी पार्किंग नहीं है, ठीक है। अब ये कमाल, लेकिन एक बंदा अपनी बाइक ढूंढ रहा है, पर्ची उसके पास है, इधर आइए। सलामकुम, पर्ची आपकी है? कितने पैसे देने पड़ी है पर्ची आपको? सर आप दोनों साथ ही हैं जी, क्यों, किस बात के 30 रुपए पूछा नहीं आपने? ये पूछा नहीं, ये पार्किंग का कह रहे हैं ये। अब आप देखें ये बाइक की पर्ची है और 30 रुपए लिए जाते हैं। सर कभी जानने की कोशिश की एक्चुअल पार्किंग के पैसे कितने? नहीं, शहरी आपसे बदमाशी करके 30 रुपए ले रहा है। दूसरी बात, अगर ये चार्ज पार्किंग होता तो केएमसी का कहीं ना कहीं बोर्ड होता है, कहीं बोर्ड? बोर्ड तो सर नहीं है, बोर्ड नहीं है ना, ये सवाल करो, आपको कहीं केएमसी का बोर्ड दिख रहा है? नहीं नहीं। और फिर केएमसी वालों को बताएं, वो तो कह रहे हैं अगर ये चार्ज पार्किंग लीगल भी है तो 10 रुपए लेते हैं मेरे बंदे। कितने लेते हैं ये? 30 रुपए। सर आप भी साथ हैं, ईमानदारी वाली बात कीजिएगा। एक बंदा, मैं यकीन करो गाड़ी पार्क की है, वो पार्किंग लगाए, भाई ने दिए पैसे, मेरे को पता नहीं कितना दिए कितने नहीं। कितने? एक बात, अभी आप यहाँ पर क्या पिकनिक मनाने आए थे, क्या करने आए थे? हॉस्पिटल में। नहीं ना, हमारे हुक्मरानों को तो शर्म ही नहीं आ रही कि उनको अंदाजा ही नहीं है कि हॉस्पिटल बंदा आता क्यों है, किस लिए आए थे आप हॉस्पिटल? मजबूरी के लिए। बट पिकनिक में तो नहीं आए थे ना, मजबूरी में आने के बाद भी आपने कितने पैसे दिए? 30 रुपए। अभी मेरी दरखास्त है, दरखास्त है, दरखास्त है केएमसी के अफसरान से, सर थोड़ी सी इंसानियत दिखाएं आप लोग, कम से कम पार्किंग जो पूरे कराची को आप लूट रहे हैं वो तो लूट ही रहे हैं, कम से कम ये हॉस्पिटल के आगे से तो पार्किंग हटा दें अपनी, या पार्किंग लगवाएं तो खिदमत खल करवा लें, केएमसी अपनी फ्री पार्किंग लगा दे कि हम खिदमत खल करें। पटेल हॉस्पिटल ने स्टेप उठाया है, उनके जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है उन्होंने स्टेप उठाया है, वो कहते हैं हमने ग्राउंड में फ्री पार्किंग बना दी गई है, अगर आपको अब दोबारा आना पड़े तो आप फ्री पार्किंग में लगाएं, लेकिन पैसे मत दें क्योंकि ये पैसे नाजायज दे रहे हैं और नाजायज पैसा किसी को जाने नहीं। ये कराची की आवाम, आए मैं आपको मजीद दिखाता हूँ। मैं ये दिखा दूं कि फ्री पार्किंग का वो जो एक शख्स मुझसे पूछ रहे थे, फ्री पार्किंग का बकायदा इन्होंने ये लगाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, पैसे चार्ज कर रहे हो आप लोग? नो सर,
भी अगर हॉस्पिटल आ रहा है तो उसको फ्री चार्ज फ्री आप पार्किंग लगवा रहे हैं जी? हाँ सर। कहाँ पार्किंग कहाँ पर दी है? पीछे पीछे की साइड पे। पीछे मतलब ग्राउंड है, प्लाट है बड़ा, बैक साइड पे वहाँ पे पार्किंग करते हैं, चौकीदार भी बैठा वहाँ पे। मुझे बताओ कि जो लोग आते हैं आप उनको बताते हैं कि सर पीछे लगा सकते हैं? जी बिल्कुल बताते हैं, पहले हम उनको बताते हैं सर पीछे पार्किंग है, फ्री पार्किंग है। अगर वो हमें गाड़ी नहीं देना चाहते फिर उनको बताते हैं यहाँ से जाएं पीछे गली से, पीछे पार्क करके आ जाएं, गाड़ी सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ 24 घंटे बैठा हुआ, 24 घंटे बैठा हुआ है। और वेले के पास दो ऑप्शन होते हैं कि नंबर देने के बाद गाड़ी की पार्किंग आपके पास होती है, और अगर कोई आ जाता है तो आप गाड़ी भी उसको ला के देते हैं, ऐसे ही है? जी हाँ सर। ये कि अगर कोई खिदमत कर रहा है तो उसकी तरफ, मैंने अभी मुख्तलिफ हॉस्पिटल आपको कराची के दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे एक शख्स कोई पिकनिक मनाने नहीं आ रहा, वो यहाँ तो अपनी आदत करने किसी से आता है, यहाँ पर वो अपने किसी घर के अपने बूढ़े या किसी बच्चे को यहाँ पे ला के दिखाता है। लेकिन उसके बाद वो होता गया है, वो दिन में 4 बार आएगा और 4 बार वो यहाँ पर ये पर्चियाँ देगा, और जिसके बिना पर वो 30 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये चार्ज किए जाते हैं। आखिर किस बात के चार्ज किए जा रहे हैं? और अगर आपने यहाँ पर कोई लीगलाइज पार्किंग लगाई है केएमसी से, मैं कहूँगा तो उसके यहाँ पर बोर्ड होने चाहिए, और अगर बोर्ड नहीं है तो 10, और उसकी चार्जिंग भी 10 रुपये है या फिर 30 रुपये, वो 30 रुपये गाड़ी के हैं और 10 रुपये बाइक के हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि हर जगह कराची शहर में इलीगल पार्किंग है, और सवाल ये है कि पुलिस जा रही है रुकने की कोशिश ना, ये मोबाइल इलाके की है, रुकिएगा, इलाके की मोबाइल है, इलाके की मोबाइल है। सर आपके सामने अब पार्किंग लगी हुई होती है, आप इनको पकड़ते नहीं है, आपको पता ही नहीं है ये पर्चियाँ लगा के जो घूम रहे हैं लोग। आए जरा, क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद जमान, मोहम्मद हुसैन साहब, हाँ ड्यूटी अफसर है गुलशन इकबाल पुलिस के, और इस वक्त यहाँ पे एस आई हैं। सवाल सिर्फ एक छोटा सा है कि किसने पार्किंग लगाई है, कौन जिम्मेदार है, और किसके कहने पर ये पार्किंग लगती है जहाँ पे आवाम को तकलीफ? आप ये कौन लगवाता है, आप लोगों से कौन लगवाता है? हटने अलग बात, लगवाता कौन है? कोई भी नहीं लगवाता भाई, ये इधर थोड़ा अस्पताल के सामने लगाते हैं। क्यों, किस लिए? आपके बाहर सवारी के लिए होना चाहिए। देखो आप लोग मेहनत कर रहे हो, चोरी नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ पर जो पार्किंग ले रहे हैं पैसे ले रहे हैं वो तो गलत कर रहे हैं। हमसे पैसे नहीं लेते, पर्ची आपके इधर देखते हो ना बाइक वाले ले रहे हैं, उधर हैं, हम तो ऐसे ही खड़े हैं, आप तो खड़े हो जाते हैं, आपको इजाजत है। बात ये कि स्टैंड बना हुआ है और इसकी भी बड़ी कंप्लेन थी, लेकिन ये गरीब लोग हैं क्या करें, काम तो कर रहे ना। आए जरा इस तरफ आइए जरा सर, अभी आपने पैसे दिए या नहीं दिए? बिल्कुल दिए, मैंने बाइक मेरी खड़ी हुई है, मैंने पैसे तो दिए हैं, पर्ची गया आपको। ये बच्चा है जो पैसे पर्चियां ले रहा है, आप लेके क्या ये बोल रहा है? आपने किसी को नहीं बोला? आपने नहीं बोला? मैं नहीं बोला, पुलिस ने बोला होगा, मैं नहीं बोला। ये गैर कानूनी काम तो कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हटा दो, कार्रवाई कैसे करेंगे? ये पर्ची, ये देखिए आवाम को पर्चियां बांट, चलो सही हटा दो, हटाएंगे कैसे? सवाल ये है, ये पैसे लेके जा चुके हैं, और अच्छा हमने पुलिस को नहीं कहा कि पुलिस पैसे ले रही है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में अगर ये गैर कानूनी काम चल रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? सवाल ये कि कोई इदारा तो होगा जो जिम्मेदार होगा। मैं मोहम्मद, हाँ जी, नहीं हमने देखो गश्त कर दी है, आपको रोका, आप रुक गए, मैं ये भी बता रहा हूँ आपने, लेकिन मोहम्मद साहब इस वक्त इस बच्चे को आपको लेके जाना चाहिए थाने, जो सच बात है। ये बच्चों को आप कहा है, मैं गवाही भी करा दूँ, जरा इधर आइए। हाँ ये आवाम है, शहरी है, कितने की पर्ची थी आपको, इनको बताएं पुलिस? कल मैंने गाड़ी खड़ी करी थी तो मुझसे इन्होंने 300 रुपये 3 टाइम पे लिए, आज मैं इसीलिए आज आया ही बाइक पे हूँ कि बार बार आना जाना लगा हुआ है। ये 30 रुपये की पर्ची मुझे दी है, ये रही पर्ची, ये पर्ची मुझे दी है, ये पर्ची दी है, ये उधर ही कोई भाई है, यही है या इसी तरह का कोई भाई है, वहाँ पर पर्ची दी है, उसने कहा यहाँ आप बिल्कुल बाइक खड़ी करें, तो उसने जो है ये पर्चियाँ बरामद हुई इनके पास से, ये लीजिए। ये मैं अपने हाथ से मोहम्मद हुसैन साहब को, जो गुलशन इकबाल में तैनात है एसआई, उनके हाथ में पर्चियाँ भी दे रहा हूँ, और ये बच्चा भी दे रहा हूँ जो लोगों से पैसे दे रहे हैं। अब अगर सवाल ये कि अगर ये कार्रवाई होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती इसको छोड़, ये बच्चा है इसका कसूर शायद ना हो, असूल उन लोगों को पकड़ना है जो लोग ये काम करवा रहे हैं गैर कानूनी, और यकीन जाने कि गैर कानूनी काम कोई भी कराएगा मैं ज़रूर दिखाऊँगा। दरअसल आईजी साहब से ये है कि जो पुलिस काम कर रही है, इलाके एसएचओ गुलशन इकबाल हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी ये कॉल कर दी जाए, तो ये पीएस गुलशन ने फौरन गार का बंदा लिया है। अच्छा हुसैन साहब एसएचओ कौन है यहाँ पे? अपना शोर बंगा साहब, सऊद बंगा साहब। हाँ अच्छा जी, हम आईजी साहब आपसे भी कहेंगे कि सर आपकी पुलिस काम करना चाहती है, अगर पुलिस सही काम कर रही तो वो दिखाएं और उनके रिकॉर्ड करें, लेकिन बिल्कुल हटाएंगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, और आवाम ने भी कह दिया है।
अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ पर एम्बुलेंसेज वाले भी मौजूद हैं, छिपा भी मौजूद है और सुभान वाले भी मौजूद है। छिपा, आप लोग बड़ी खदमत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। चाहे वो देखें, मैं ये भी बता दूँ कि कोई नाराज़ ना हो, ईदी हो, छिपा हो या कोई भी प्राइवेट सर्विस खिदमत कर रही है, तो खिदमत खल्क करना अच्छी चीज़ है, पर खिदमत के नाम पे पैसे बटोरना वो गलत है और वो गैर कानूनी अमल है। आप छिपा में काम कर रहे हैं, ईमानदारी बताएं कि क्या सूरत हाल है इस रोड की? रोड बहुत बुरा है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी निकालना हमारे लिए बहुत दुश्वारी का सामना होता है। ये जो पार्किंग है, आप पार्किंग वाले हैं, इन्होंने गलत पार्किंग करी हुई है, और हमारी एम्बुलेंस जो है एमरजेंसी सर्विस है, फर्स्ट एमरजेंसी हमारा काम है, क्योंकि कोई हादसा हो सकता है किसी भी टाइम में, एम्बुलेंस निकल सकती है, तो बहुत दुश्वारी का सामना होता है, और अटेंडर और भी मजीद लोगों को जो है बहुत परेशानी का सामना होता है। ये रोड का बहुत बुरा हाल है, लिहाजा सही होना चाहिए आगे। लिहाजा नहीं, मैंने आपको बड़े आराम से देखे, मैं लोगों को बातचीत में हम रुकते हैं ना, मैं आपको पूरा इसलिए मौका देता, एक मुझे आप दो चार सवाल का जवाब दीजिएगा। जब रोड जैम होता है और पेशेंट अंदर होता है, कैसा फील हो रहा होता है? बहुत बहुत बेचैनी का फील हो रहा था, इंसान है ज़्यादा हमदर्दी का सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो बेवकूफ़ बना रहता है, गाड़ी में पेशेंट होता है और रोड बेवजह ट्रैफिक जाम है। यहाँ की बात छोड़ के पूरे कराची के रोड की बात करता हूँ कि किस तरह तकलीफ का सामना आपको होता है जब आप हॉर्न दे रहे होते हैं, तो एक्चुअल आगे वाले को आप हॉर्न तो दे रहे हैं पर रोड जैम है, वो क्या करें जब लोगों ने पूरे पूरे बड़े बड़े रोडों के ऊपर आधी आधी पार्किंग लगा देंगे, तो यकीन जाने दुनिया के अंदर एम्बुलेंस की लाइनें, इमरजेंसी की लाइन्स अलग होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स के लिए बनाई जाती है, उस पर शायद मुल्क का वजीर आजम भी ट्रैवल नहीं कर सकता उस रोड के ऊपर। लेकिन यकीन जाने हमने इस मुल्क में क्या देख रहे हैं और हो क्या रहा है, अफसोस की बात है। जवाब दही प्रोग्राम के जरिए मैं देखने वालों से दरख्वास्त करूँगा, इकतदार के लोगों से, खुदारा चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे वो गरीब का बच्चा हो, बात सिर्फ इतनी सी है कि जान जाना एक इंसानियत की, पूरी इंसानियत के ऊपर आती है बात जब एक जगह जान किसी की चली जाए। कितनी बार ऐसा वाकया देखने में आया कि लोगों की पेशेंट की ना पहुंचने पे जान गई है? कितनी बार हुआ? काफ़ी हुआ, लेकिन वो तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, लेकिन इंसान वो ना अपने दिल को समझा नहीं पाता है कि काश ये ट्रैफिक जाम नहीं होता, काश पे नहीं होता। कहता है कि काश 5 मिनट पहले मैं इसको पहुंचा देता। कई बार ऐसा फील हुआ कि यार फलां ट्रैफिक जाम नहीं होता तो मैं इसको 5 मिनट पहले पहुंचा देता, ऐसा होता है कभी? बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही होता है। होता है। आप भी प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं, आपका क्या है सुभान के नाम से, ये बताओ कि जब कभी कोई अल्लाह ना करे कोई डेथ होती है गाड़ी के अंदर, क्या जज्बात होते हैं, क्या फील होता है? काफ़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो अटेंडेंट जो साथ होते हैं ना, वो अक्सर शायद ये समझ बैठते हैं कि ड्राइवर ही हमारा बेकार है, इसको गाड़ी चलाना नहीं आती, लेकिन लोग हूटर की आवाज़ सुन के भी रास्ता नहीं देते एमरजेंसी जाने के लिए, और ना उनको अपने लाइन ट्रैक का मालूम है कि हमें चलना किस तरफ है, किस लाइन में चलना चाहिए और किस गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ के रखना चाहिए। दिल दुखता है, दिल दुखता है, बिल्कुल दुख होता है, किसी की भी मौत वाकई हो हमें भी। अंदर आप हर जगह से पेशेंट लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 80% रोडों पे क्या देखते हैं? 80% रोड तो इस टाइम पे हमारे इतने खस्ता हाल हुए हैं कि हर जगह पे ट्रैफिक जाम है। हाल तो अपनी जगह, ट्रैफिक के मामला में आधे आधे लोगों ने गाड़ियां लगाई हुई है, रोडों पे नहीं लगाई, डबल डबल पार्किंग हुई, आधे क्या डबल डबल पार्किंग हुई भी है, इधर भी हो जाती है डबल पार्किंग है, इनको कई दफा इनको मना भी किया कि एम्बुलेंस के आगे गाड़ियां नहीं खड़ी करवाओ, लेकिन ये एक है लगे बंदे हमारे बात से इतनी थी कि बात देखें, ये GDC की हो या बात हो छिपा की, यहाँ प्राइवेट इदारा एडी हो या फिर प्राइवेट इदारा हो, कोई भी हो, ये कोशिश करते हैं जान बचाने की, लेकिन जब वो जान उस गाड़ी में चली जाती है, यकीन जाने ये खुद कह रहे हैं कि हमें भी तकलीफ होती है, और कहीं ना कहीं ये फील होता है कि काश हम 5 मिनट पहले इस पेशेंट को पहुंचा देते। तो मेरी इक्तदार के उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऑर्डर है कि भाई पार्किंग किस तरह होनी चाहिए और क्या तरीक़ेकार है, यहाँ लीगलाइज पार्किंग ही नहीं है, उसके बाद KMC कैसे लगा रही। मेरी नैब से भी दरख्वास्त है कि ऐसे अफसरान की लिस्ट निकाल के चेक किया जाए कि कौन इन पार्किंगों पर काम करता है, कि काम गुलशन ईस्ट में कामरान का मैंने एक्सपोज किया, लेकिन आज भी तारिक रोड में पार्किंग जारी है, प्रोग्राम चलने के बाद लाखों लोगों ने देखा, लेकिन हुआ क्या, आज भी जारी है। ये लोग एक सवालिया निशान है उन लोगों के ऊपर जो पावरफुल है, तो इसका मतलब माफिया ज़्यादा पावरफुल है, तो यकीन जाने अफसोस होता है। पार्किंग क्या लगता है कि ये सही काम कर रहे हैं लोग? नहीं, बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। देखिए, कमिश्नर कराची ने भी पार्किंग मेरे ख्याल से शायद फ्री कर दी है, और आपके मुर्तजा साहब जो हमारे मेयर कराची हैं, उन्होंने भी पार्किंग को बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, माफिया पूरी बकायदा, देखिए आप आए तो गायब हो गई माफिया, गायब हो गई, पुलिस को दे दिया, पुलिस को दिया है, पुलिस को बुलाया हमने, देखिए हम लीगल काम करते हैं, हमने उनकी पर्चियाँ पकड़ी 30-30 रुपए, वो बाइक वालों से, मैंने पूछा क्या पिकनिक मनाने आए,
जो आपको पैसे दें वो किसी पेशेंट को लेके आए, लेकिन हो क्या रहा है, जो यहाँ पर पेशेंट की दुआ, जिसको कहते हैं ना दुआ लगे, वो बददुआ दे के बाहर निकल रहा है कि वो छः बार आएगा पैसे भरेगा। तो आपने तो नाम ले लिया कमिश्नर कराची का, आपने ले लिया मेयर मुर्तजा। मैं कहता हूँ मेयर मुर्तजा आप से अगर कहना चाहो तो क्या कहोगे? मुर्तजा आपसे अपील कर सकते हैं कि भाई पार्किंग के ऊपर तवज्जा दें। अच्छा, इस तरह की पार्किंग आप देखें इंटर बोर्ड की तरफ जाएँ या मैट्रिक बोर्ड की तरफ जाएँ, वहाँ भी ये माफिया घूम रही है सदर में, पूरे कराची में। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये ख़त्म करनी चाहिए पार्किंग। कुछ लोग कहते हैं हम गलत दिखाते हैं, 30 रुपये पार्किंग चार्ज हो रही है, नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। मोटरसाइकिलों की बिल्कुल हो रही है, और बड़ी गाड़ी पे 50 से 100 रुपये जो जैसे भी। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप पिकनिक पॉइंट पे जाते हैं तो 100-100 रुपये फी गाड़ी चार्ज करते हैं और 50-50 रुपये बाइक की पार्किंग चार्ज करते हैं। तकलीफ का अमल है। और बात सिर्फ इतनी सी है कि जो लोग पटेल आते हैं, मैं फिर एक मैसेज दे दूं कि पटेल हॉस्पिटल जो आता है, बाकायदा पटेल हॉस्पिटल की पार्किंग बना दी गई है जिसके पीछे जगह है। अगर आप फ्री पार्किंग, थोड़ा सा हैसल करना ज़रूर पड़ेगा आपको, चलना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए भी करना पड़ेगा, तो ये इन लोगों से आप बच जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया प्रोग्राम में कि किस तरह गैर कानूनी तौर पर पूरे कराची शहर में पार्किंग लगा दी गई है। अब मेरा सवाल इक्तदार की उन लोगों से, क्या वो सो रहे हैं? मैं बार बार दिखा रहा हूँ, शायद इस महीने में मेरा ये तीसरा प्रोग्राम है पार्किंग के ऊपर कि कराची में हम तो आपको दिखा रहे हैं, क्या वो इदारे सो रहे हैं? अब मैं इदारे का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ज़रूर कहूँगा कि जिस इदारे का ये काम है शायद वो सो चुका है। खुदारा जागें। और एक और चीज़ निशानदेही करूँगा कि जिस जगह की आज निशानदेही की वो थे हॉस्पिटल, खुदारा वो पिकनिक पॉइंट नहीं है। खुदारा आप थोड़ा जागें, कम से कम हॉस्पिटल्स की पार्किंगों को तो छोड़ दें ताकि आवाम को कहीं तो रिलीफ मिल सके। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने अपनी पार्किंग बना दी गई है और वो कह रहे हैं कि हमारे नामों पर ज़रूर पर्चियाँ लोग काट रहे हैं पर हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो आपने प्रोग्राम में देखा। और मैंने कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी आपको दिखाए कि जिनके बाहर किस तरह पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं और फिर उन्हीं का स्टाफ आके हमें किस तरह प्रेशराइज करता है कि हम देख लेंगे। तो मैं कहूँगा ज़रूर देखें प्रोग्राम जवाब तो चाहिए का काम है दिखाना, और मैं चाहूँगा कि आप लोग देखते रहें। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया सच दिखाया हक दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।